अब हम कहाँ से आई है? मैं अटेली से आई हूँ, बड़ा। कहाँ से? अटेली से। अच्छा, क्या काम? हरियाणा। अरे चुप हो जा। मैंने मम्मी 10 सितंबर को लाया, 2 महीना हो यहाँ से। हाँ। मैं पीछे पीछे की जाम हो रही थी नीचा नीचा की। अच्छा। तो उस दिन मैंने लगाई 10-5 मिनट में मेरे गए ऐसे जाने कमर में है, तो मैं नीचा नीचा की खुल गई। खूब मेरा फायदा करी, खूब मेरा संकट काट। मम्मी मैं झोड़ी भरवा आई आप ही मेरी गुरु मार होगा। मैं तो माता की भक्ति में जय माता की। जय माता दी। हां बेटा, जय माता की। दोनों के फेस इनियार इतने मोटे मोटे हो गए। हां बेटा, खुश हो रहे मम्मी। अच्छा, कहां से आई? इनकी तबीयत अंबाला से आई मम्मी जी। अच्छा, क्या काम है? इनकी तबीयत खराब हो रही थी मम्मी, बहुत ज्यादा इंफेक्शन था जी पेट में। अच्छा, आज वो ठीक हो गया। ये पूरा रात को 2 बजे दर्द होता था मम्मी। रात को आपने केस मांगे थे, मैं केस भी लाई और आपने लिए फूल भी लाई। अच्छा, बाल? हां जी। अरे वाह, बालों में लगाने के लिए फूल भी लाई मम्मी। होते ना तांत्रिक क्रिया, उन पे मम्मी केस बाल मांगती। हाँ जी मम्मी। और तो चुपके भी लाई चांदी की। चांदी की चुपके भी लाई मम्मी। और चांदी भी तो दी है मम्मी। जाऊं मम्मी, मैं कच्ची का रूप में आ गई। बोलिया साची है, दरबार की है। दो संकट काट दिए और बचाओ तो वो भी काट दे। ऐसे ही रसे बसे और मैया ऐसे ही बुलाती रहे बच्चों का धन के साथ। बहुत सच्चे वो हो। क्या क्या बोलते हो? मेरा भतीजा घर से नीचे लगा था माता जी। भतीजा 1 महीने में आया माता जी। मैंने आपकी कढ़ाई बोली थी और अरदास लगाई थी। मैंने बुला ले तो मैं कढ़ाई। नवरात्रों में मैंने आपका मंत्र किया था आपकी बार, वो भी मेरा पूरा हो। अच्छा, इसी ये कढ़ाई किसकी लाई है? तू लड़के के आने की ना। एक भतीजे का भी, एक मेरा भी। अरदास पूरी की वैसे सब की करे और ऐसे ही अपने बच्चों को बुलाती रहे, जयकारे लगा लो। बहुत स्वागत। आप कहाँ से आए हैं? करनाल से आया। ये ब्याह कब होया? अभी 16 तारीख को है हमारा। 16 तारीख ना, पहले मायने नौकरी लगवाई थी ना। और ये ब्याह मतलब कि 6 महीने की बोली है आप? 9 महीने की तो हड़ते थे उसकी माँ ने कच्चे चप्पा में जमे। बाप कैसे? ये छोटी सी बिटू थी। हम मजाक ना भाई, माँ ने शादी करवा दी इस टीने की और बहुत सोनी बहू आई है। इतना तो आप भी कोनी जितनी सोनी बहू आई है। बोल काचे दरबार की जय। अच्छा, माँ कोरी चिट्टी है भाई। क्रीम कौन सी लाई है बाबू? आपके वाले ला रखी माता जी जो आपने। अच्छा, जो मैंने दी। ओ लहरिया बात है, क्रीम भी मेरी है। है माता जी जो आपने दे रखा। तुम्हारी चाचे दरबार ये भाई बच्चों की शादी होगी तुम धड़ाके से और ये बधाई लेके आया। बहुत सच्ची अच्छा, 3 महीने हुए थे मेरे पास आई। अब फर्स्ट टाइम आई थी ना, तभी मेरे को आराम लगा था। 1.5 साल हो गए कैसे थे, मतलब दिक्कत थी बॉडी में। हाँ, 2 गुड़िया मेरे पास, 2 गुड़िया। अब आराम है तो बोलिए सच्चे दरबार की। तभी महारानी ने इसकी काया निरोगी कर दी है जो रोगी थी। हाँ। और वैसे ही आगे काम बनाती रहे, उसकी खुशी में कढ़ाई लाई है बच्ची। हाँ। और ऐसे ही और अंधन के भंडार बढ़ती रहे और
लगते रहे। बहुत ज्यादा दरबार और ये क्या मेरा टेडी बियर लग रहा मेरे को। बहुत साचे दरबार की जय माता की। बाबू कहाँ से आई? पंजाब से। पंजाब से क्या क्या काम की कढ़ाई लाई? आईएसटी जॉब लगी है। जॉब लगी है? जॉब लगी है दो दिन में लगी है। सिर्फ दो दिन में। हम यहाँ पे ट्यूसडे को आए थे, वेडनेसडे को, तो फ्राइडे को इसकी जॉब लगी है। बहुत साचे दरबार की। महारानी ने दिया टाइम पे, दो दिन में भाई जॉब लगवा दी बच्चे की। और ऐसे ही सब की चढ़ाइयाँ चढ़ाए बच्चों की। और ऐसे कुछ दरबार के चक्कर आए लगते रहे। चक्कर आए दुर्गे काली का। अब हम किधर? हाँ कोई मैं मजाक कर रही हूँ। कहाँ से बेटा? गाजियाबाद से। क्या काम बना बेटा? पोता बीमार था, उसकी बोली थी, उसकी लेकर आई हूँ। पोता बीमार था? हाँ जी। कब? अब वहाँ जनवरी फरवरी में आई थी, उसके बाद वो मेरे ख्याल में मार्च में बीमार हुआ था, तो मैंने घर बैठे बोला था कि ठीक हो गया तो वहाँ से। हाँ उसकी कढ़ाई लेकर आई हूँ। चलो महारानी ऐसे ही निरोगी काया करा करो। बेटे की नौकरी लगती है, इससे बड़ी कढ़ाई लेती हूं मैं। ले भी अब की बार तेरे बेटे की नौकरी लगवाते हैं, जोड़ी पर वाके जाई। बस साचे दरबार की जय। जय माता दी। बाबू जय माता दी। कहाँ से आए थे? बॉम्बे से। बॉम्बे से क्या काम बना? पिछले बर्थडे पे आए थे माता जी आपके। एक कोर्ट केस था, 5 साल से चल रहा था, बहुत परेशानी थी, अब जाकर सेटलमेंट हो गया। मतलब पिछले बर्थडे पे आए तब चल रहा था, अब खत्म कर दिया, अब कढ़ाई लेके आए। जी माता दरबार की जय। भद्रकाली मैया की जय। बोलो अंजलि गुरु माँ की जय। ले भाई बच्ची का ये काम पूरा हो गया, तो इस खुशी में कढ़ाई लेके आई है। बच्चे जिनके चल रहे केस और वो भी मेरी कटोरी दिख रही है। बहुत सारे बार की जय। भीड़ बहुत। मुझे रानी दरबार। कहाँ से आई है? मैं यहाँ से कुरुक्षेत्र से हूँ जी। अच्छा क्या काम बना बेटा? मेरा नवरात्रों मैं पहले आई थी, 5 महीने से जुड़ी हुई हूँ दरबार में, और दरबार में अरदास लगा के गई थी माता रानी से, भाई मेरा गुरु धारण होना चाहिए। तो मैया रानी आपने मुझे दर्शन दिए थे, आप मेरे सिर पे हाथ रख के आए घर में, तो आपने बोला भाई चुपकुंडी भी ये आगे वहाँ पे कढ़ाई दे दे और ऐसे ही चढ़ाइयाँ चढ़ती रही। तो बहुत साचे दरबार मैया रानी। कलकत्ता की टिकट बुक हुई थी तो वो कैंसिल करवा दी माता रानी ने। हाँ मेरी जॉब भी यहाँ से लगी थी। आई कहाँ से? मैं आई हूँ दिल्ली से। दिल्ली से आई? अच्छा कब आई थी पहले फर्स्ट टाइम बेटा? माँ मैं फर्स्ट टाइम ही आई हूँ, मेरी मम्मी और भाई आते थे। अच्छा पहले आते थे? हाँ जी उन्होंने साथ मेरी करी। तो ये कढ़ाई की खुशी की है? पहले तो मेरी जॉब यहाँ से अरदास लगाई थी, जॉब लग गई थी। हाँ। फिर उसके बाद मेरी पेमेंट नहीं आ रही थी, फिर घर बैठे अरदास लगाई थी, अब पेमेंट्स भी आ रही है। बहुत साचे दरबार की जय। बाबू लगी थी नहीं? तो भाई बाबू के दो काम हो गए हैं, वैसे और भी होते रहेंगे। कह रही थी बीच बीच में कुंडी आ गई तो मैं ऐसे ही काम चढ़ाती रहे, ऐसे ही बात बनाती रहे, ऐसे ही मुस्कुरा दिलाती रहे। जो बच्चे हैं दिवाली धूम धड़ाके से जाए इनकी, और हम धन के भंडार भरे, लक्ष्मी का वास हो, और सबकी दिवाली बाद फिर ऐसे ही धूम धड़ाके वाली कढ़ाइयाँ चढ़े। बहुत वापस मेरी अच्छी जगह जॉब लग जाओ, अच्छे घर में आप झोली चाहती हो जे लड़कवा मैं देख दू बहुत सारे बता दे मेरे को चिरकुंडा की अरदास से आई हुई है मम्मी, वो उनकी मम्मी आई है, फिर रिश्ता करवा दो। नौकरी वाली देख दूंगी धूम धड़क के वाली कढ़ाई, बहुत बढ़िया पहली लड़की देखिए जो खुद की शादी में धूम जॉब। ओके बाबू की जॉब पर की तेरी। अब बाबू कहाँ से आया? नारनौल से। नारनौल से? हाँ माता दी। रुक जा बेटा तेरा मुँह बहुत मैं डर जाऊंगी ऐसे। अच्छा क्या काम बना है? माता जी आपकी कृपा से मेरे को जीवन दोबारा मिला है। जीवन ऐसे कैसे? थोड़ा दे डिटेल मेरे को। माता जी कुछ नहीं, मैं थोड़ा डिप्रेशन में था, पॉइजन खा लिया था। ओए बाबू ऐसे क्यों किया तुमने? लड़की का चक्कर था? नहीं नहीं माई, तो वैसे वो सिर्फ लड़की के चक्कर वाले ही खाते हैं ये काम। नहीं नहीं माई फिर वो बच गया मैं। अच्छा बचना तो हाँ, और आपकी कृपा से जो काम करता हूँ वो मेरा काम होता है। तो मतलब मैया को मानता है? हाँ जी माई। इस दरबार को मानता है? हाँ जी माई। सच्चे दरबार की जय। अभी ये बच्चा खुशी से पढ़ाई लाया है, इसके जीवन माया ने बख्श दिया, और ऐसी कभी मत सोचना बाबू।
क्योंकि दुनिया बहुत गंदी है बेटा, पता नहीं क्या क्रिया करवा के क्या करते हैं। ठीक है माई, माँ पे भरोसे रख और तेरा यह चीज झंडा लहराता रहे। ठीक है माई, बहुत सच्ची। दरबार की जय। जय माता दी। जय माता दी। कहाँ से आई? दिल्ली से। अच्छा, क्या काम बना बेटा? महारानी मेरे ना पैसे रुके हुए थे तो मैंने सुबह अरदास करी और दोपहर तक पैसे आ गए। सुबह अरदास की थी और दोपहर तक पैसे तो बोलिए सच्चे दरबार की तभी ले भाई, इसका काम बना, पैसे रुके फटाक से दिलवा दिए मैया ने। वैसे जिसके जिसके पैसे रुके हो सबके आ जाए और ऐसे बचे खुशी खुशी माँ का शुक्रिया ना करने आते रहे। बोलिए सच्चे दरबार की जय। कहाँ से आई? खरड़ से। क्या काम बना? एक लत बची हुई, लत कट्टे कह रहे थे डॉक्टर। एक तो लत बची हुई, लत कट्टे कह रहे थे डॉक्टर। अच्छा, लत ठीक है? लत ठीक है, बहुत साचे दरबार। और साल पुराना संकट कटे आए? 11 साल, 13 साल पुराना। 13 साल पुराना, तो बोलिए सच्चे दरबार। महारानी ने 13 साल पुराना संकट काट दिया और एक लात काटने को बोल रहा था जो संकट बीच में बढ़ के डॉक्टर बोल रहे थे कि लात कटेगी, भाई वो बच गई है माँ की कृपा से। लगाओ जयकारा कुर्सी पे। तू बहुत मुस्कुरा रही है, तेरे को वीडियो ले लो। मम्मी है? अच्छा, तो बोलिए सच्चे दरबार बाल इसकी मम्मी की। हाँ बाबू, कहाँ से आई है? ना, मैं लालडू से आई हूँ। लालडू? हाँ बाबू का नाम लालडू है। बाबू अम्बाला के पास है? है? और अम्बाला के पास है माँ। मैं तो ऐसे गाड़ी गाड़ी में कहती थी लालडू बोल के। बाबू ये मेरे को पता नहीं था काम का नाम, अब पता चला क्यों मुंह से निकलता था। अच्छा, क्या काम बना? माँ काम, मैं ना यहाँ एक बार आई थी अभी नवरात्रों में, तो मुझे थोड़ा सा विश्वास हुआ कि शायद आपको देख के ऐसा लगा कि सच में कोई माँ ना आसमान से उतर आई है। बाबू मैं माँ के पेट से आई हूँ जैसे तू आई है। पता क्या हुआ, हमारा ना एक्सीडेंट हो गया था, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ। 5 मिनट में सब कुछ खत्म हो सकता था, तो उस 5 मिनट में मेरे घर वालों ने ना आपका नाम लिया कि अंजलि माँ हमें बचा लो, या तो हम मतलब आगे मौत थी हमारे और आपने हमें बचा लिया माँ। हम अभी 3 दिन हुए हैं और हम भी ज्यादा देर नहीं करना चाहते थे, तभी कड़ाही ले आए जिस दिन आपका। बहुत साचे दरबार की। अभी महारानी ने संकट टाल दिया, नाम से आज डंके बजते मैया यूं पहुंचती है। बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ, तो ऐसे ही जिंदगी बचा ली, बच्चे शुक्रिया ना करने आए हैं और ऐसे ही काम बनाती रहे, ऐसे ही बच्चों के चेहरे पे मुस्कान लाती रहे, ऐसे ही रक्षा करती रहे, अंदर का भंडार भरती रहे। और ये बड़ी कढ़ाई लाई हो ना बाबू कि छोटी लाए हो? छोटी लाई ना। अच्छा, जो भी है छोटी मोटी है। ये तो आपको बर्थडे गिफ्ट लेके आई थी। अच्छा, ये मेरे बर्थडे गिफ्ट? मुझे पता नहीं, ये तो दिखा मेरे को। ये कान्हा जी भी आया, पर ये बर्थडे गिफ्ट नहीं है, ये किशु है। किशु किशु है, ये आते रहेंगे आपसे मिलने। वाह बाबू, भैया ये मेरे भैया है, भाई मानती हूँ। बस साचे दरबार की। अब बाबू कहाँ से आई है? मैं गुड़गांव से आई हूँ और मेरे छोटे बहुत काम बने हैं और एक बड़ी डील भी हुई है, तो अभी मैं छोटी कढ़ाई लेकर आई हूँ। जब मेरे वो छोटी बड़ी कुछ नहीं, जो श्रद्धा का शुक्रिया ना कर दिया उसके तो डंके वैसे ही ले गया है ना। मेरी साथ बताओ भाव है कुछ है, तो बोलिए सच्चे दरबार की जय। ये महारानी इसके और भी काम बनाती रहे, बच्चे ऐसे ही बुलाते रहे और मुस्कुराते आते रहे। और अब शांति रखो, सबकी वीडियो बन जाएगी जी, कढ़ाई अपनी संभाल के रखो। तो बोलिए सच्चे दरबार की जय। मेरी भी बनाओगी? क्यों नहीं बनाऊंगी, ले तेरा पूरी दिखा रही, थोड़ा थोड़ा दिखा। पहले तो आपको दरबार की बहुत बहुत कोई नहीं ना, अभी तो देखना, अभी तो
अभी तो ये हुआ, अभी देखना अभी तो क्या नजारा होगा। मुझे मालूम है वो होगा, अभी सरप्राइज है ना बच्चों के लिए, रुकता सही। तो बोलिए सच्चे दरबार की जय। माता की बाबू जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो माँ। बाबू आपका भी जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। कब है जन्मदिन? माँ मैं तो अप्रैल में आता है। अच्छा कोई नहीं, मैं पहले दे देती हूँ। धन्यवाद माँ। अच्छा क्या क्या काम बना? माँ मेरे दो काम बने, एक तो मैं आपके दरबार तक पहुँच गई माँ। थैंक यू। मैं 3 साल से इंतजार में थी, मैं कहीं मैं आपके दर्शन कर पाऊँ। आदमी के करे थे कभी दर्शन? उनके तो शादी हुई तभी हुई थे। अच्छा माँ मेरे डिलीट कर दूँ क्या? माँ मेरे हस्बैंड को कोरोना हो गया था माँ, तो मुझे सपने में दर्शन हुए थे माँ क्या ये ठीक हो जाएंगे, तो मैं कढ़ाई बोली थी। हाँ। कढ़ाई लेके आई हूँ माँ। ठीक है बाबू, महारानी ऐसे ही डंके बजाती रहे, बच्चों को बुलाती रहे, और मेरी बच्ची मैं ऐसी हंसती रहती हूँ, जबाने दो बच्चे हंस लेते हैं। तो बोलिए साचे दरबार की जय। क्या काम बना? पियर महना गणा तकलीफ चल रही थी, जब तक अड़ान लग गए हम सारे काम ठीक होते चल रहे हैं। बाइक जिस दिन आए थे ना माँ, अगले दिन है ना बाइक की दुकान खुल गई, और माँ एक प्लाट नहीं बिक रहा था, वो प्लाट भी बिक गया है 3 लाख का। सब तो बड़ी माँ आपकी दया है, आप इतने प्यारे हो ना माँ। हाथ को लाऊन बेरा है कति भी नहीं लाऊ माँ। हाँ। नियम कोई नहीं तोड़ू माँ। इसे भाई के माँ बहुत प्यार करा माँ आपके। हम मैं भी तो करूँ मेरे कबूतरा दा तो बहुत सोचे दरबार हम गणा करा माँ। मैं कौन करती? मैं करो माँ, फिर हम गणा करा ना बाबू। मैं भी तो करूँ, मैं करूँ जैसे तो मैं खींच लियो ना भाई, खींच लिया माँ कति दुख मत। बस सोचे दरबार मेरे बच्चों के ऐसे ही झंडे लगाती रहे, ऐसी उम्र बढ़ाती रहे, और मेरे बच्चे यूँ गच गच के आते रहे और काम बनाते रहे। अपने चरणों में जगह दे रखी, कदे भी अपने तो दूर ना हो। जय हो, जय हो मेरी गुरु मांजली की जय। अब आप कहाँ से आ गया? लुधियाना से आई हूँ। क्या काम बना? पेट में दर्द रहता था माँ, पेट में दर्द रहता था। अच्छा तो वो ठीक हो गया, तीसरी बार आई हूँ माँ। तीसरी बार में ठीक हो गया, तो बोलिए साचे दरबार की जय। भाई तीसरी बार में पेट में दर्द ठीक हो गया, बच्ची का संकट कट गया, ये बच्ची शुक्रिया ना करने आई है, अपनी संता से पढ़ाई रही है, और मैया इसके और भी काम बनाती रहे, रो पाटती रहे, ऐसे झंडे लगाते रहे, कुछ दरबार के बच्चों का दरबार की जय। अपना कहाँ से आई है? मैं कक्सीना से आई हूँ। अच्छा क्या काम बना? माँ मेरा पेपर मैं पास हो गया, फाइनल में भी करवा देना। पास हो गया? एक की तकराई दे दे बाबू पहले। ये उसी में होना, और एक भतीजा हुआ, माँ ने वचन किए थे। दो काम हो गया, तो बहुत सोचो दरबार की जय। भाई भतीजा हो गया, भतीजा मांग गया था, और पेपर में पास हो गया। हो गया पता नहीं हो गया मैं फाइनल हो गया। अब फाइनल की बात है तो दो काम की कढ़ाई लाई है मैया, और भी आगे ऐसे ही बनाती रहे, ऐसे ही मुराद पूरी करती रहे। तो बोलिया साचे दरबार की जय। जय माता दी बाबू। माता जी मैं ना 28 जुलाई को आई थी आपके यहाँ। ठीक है। तो संकट था। हाँ। तो आपने साथ में बेटा आपने आपने ऐसे पकड़ा, तू तो आ रहा बेटा। पूरी रात सिर में दर्द रहा, लेकिन ना उस दिन के बाद मेरे सिर में दर्द नहीं हुआ। बहुत सोचे दरबार की जय। दूसरी बात, मेरे ना हस्बैंड के बगंदर थी, तो डॉक्टर ने ऑपरेशन बोल रखा था, 1 लाख लगेंगे 2 लाख लगेंगे। तो मैंने माँ की अरदास लगाई कि माँ अगर ऑपरेशन नहीं हो तो मैं आपकी कढ़ाई दूंगी, तो ऑपरेशन नहीं हुआ। और भी छोटे मोटे बहुत ज्यादा काम, घर में खुशियाँ, मतलब बहुत कुछ हो गया माँ। बहुत सोचे दरबार की जय। महारानी मैसेज कर दिया, माँ भद्रकाली की जय। बोलो की जय। बोलो गुरु मांजलि की जय। तो क्या बोल रही थी मैं? माँ मेरे दो काम बने हैं। हाँ, दो काम बन गए। जब के बचते रहे ऐसे ही बच्चों के काम बढ़ते रहे, और ऐसे बच्चे आते रहे। और माँ आपने ना ये बोला था कि माँ का ना वो नहीं ले जाना, सूट साड़ी नहीं ले जाना, रेडीमेड कपड़े ले जाना। रेडीमेड मम्मी बोली वाह वाह, उसको पता था मैं सिले सिलाई पहनती हूँ। बहुत सच्चे दरबार की जय। हिसार से आया हूँ। अच्छा क्या काम बना? वो पापा के काम में बहुत ज्यादा लॉस हो रहा था, 3-4 साल से कर्जा ही कर्जा चढ़ रहा था। इस बार अप्रैल में आया था मैं, चैत्र नवरात्रों में, तब कढ़ाई के लिए बोल के गया था माँ से।
इस बार माँ ने पूरा वो लाभ पूरा करवाया है, फायदा करवाया है। कई लाख का तो बोलिए सर्वे दरबार की। कई लाख का फायदा करवा दिया, कर्जे आजमा दिया, बच्चे के जिसके कर्जे थे वैसे इस बार जिसका ऐसा काम बना वैसे सबका बने। एक और माँ कल पेपर है मेरा पुलिस का, और देख लो पुलिस का भाई लाइव पास करवा दिया मैंने। जय माता रानी। बहुत सच्चे दरबार की थोड़ी भरवा लेना बेटा, ठीक है? बहुत सच्चे अंजल कुमार तेरा फेस दिखाऊं क्या, इसका दिखाऊं? दिखाऊं कि नहीं दिखाऊं? नहीं माता जी, किसी का नहीं। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा क्या काम बना? माता जी हमारे संकट बताया था आपने, वो कट गया है। मेरी मम्मी बीमार थे तो वो भी ठीक हो गए हैं। छोटे मोटे काम अच्छे बन रहे हैं घर में। मेरी बहन भी बीमार थी, वो भी ठीक हो गई। बहुत अच्छे दरबार की। माता जी और मेरी पोस्टिंग जो है वो धूमपर के लिए हो रखी है, अरदास की थी मैंने। हो गई है, फिर धूम धड़ाके वाली कढ़ाई लूंगी साथ में। ये मैंने जम्मू के राजमा और जम्मू के वो लाए हैं। क्या छोले? अखरोट। अखरोट आपके लिए। खाओगे क्या अखरोट? खाओगे तुम लोग? तब बोलिए सच्चे दरबार की जय। नबी महारानी ने इसके तीन चार काम कर दिए हैं और सगड़ी भी काट दिया। ये कढ़ाई लेके आए हैं, मेरी धूम धड़ाके की नहीं है लेकिन अखरोट लाए हैं। पक्का अगली बार कहाँ से आए हो? चंडीगढ़ से आए जी। चंडीगढ़ से? हाँ जी। क्या काम बना? मेरा जी पैरों में दाने थे, आपने कहा तो गुड़गांव में जाओ मत्था टेक के आओ, मैं उधर की ठीक हूँ। बहुत सच्चे दरबार की। 40 साल का रोग था मेरा। 40 साल? हाँ। 40 साल का रोग महारानी ने 2 दिन में काट दिया। हाँ, काट दिया मेरे। और ये यूं ठीक लगाओ जगह है मदर काली की। बहुत सच्चे दरबार की जय। जय मेरी मदर काली माई का। बहुत सच्चे दरबार की जय। और मेरी महारानी ऐसे ही बच्चों के काम बनाती रहे कि मैं वीडियो बनाते बनाते थक जू लेकिन काम बनते बनते ना थके। बहुत सच्चे दरबार की जय। माता जय माता। कहाँ से बेटा? नरवाड़ा से। क्या काम बना बेटा? मेरे जी संकट था खुद में जी। अच्छा वो काम बना संकट कट गया? हाँ जी कट। अच्छा कितना टाइम हो गया जुड़े? ये 2 महीने हुए जी। 2 महीने हुए हैं? हाँ जी। तो बोलिए साचे दरबार की जय। ये चिरकुंडा है ना तेरा, मतलब हस्बैंड है ना? तो ले भाई इसकी चिरकुंडी का संकट कट गया और ये भाई बच्चे कढ़ाई लेके आए हैं, मैया इनकी और चढ़ाई चढ़ाए और काम बनाए और अंदन से भंडार भरे, दो दो कोठी दो दो बंगले दे और दो दो गाड़ी दे इनके घर में, अंदन के भंडार हो, गणेश जी का वास हो और लक्ष्मी इसके घर खेले और ऊंचाइयों तक छू। बस साचे दरबार की जय। हां के बाबू अब शांत हो जाओ रे। हां बेटा कहां से आई है? मोहाली से। अच्छा क्या काम बना? सुन लिया करो बेटा, किसी का काम बने सुन लिया करो। मेरे लोन का कम, बच्चे दे ना पैसे का कम हुआ। चुप हो जाओ बेटा, जो बोलोगे मैं बाहर कर दूंगी। चुप हो जाओ, सुना करो बेटा। कल को तुम्हारा भी नंबर पढ़ना है कढ़ाई में, तुम्हारा भी काम बनना है। हाँ बेटा लोन का बच्चे का कम बने माँ, बच्चे दे पैसे का कम बने। कब बच्चे नु आए थे दरबार से? कब झोली भरी गई थी माँ? बच्चे नु लेके आई भी है थोड़े को ठीक होने नु। कौन है बाबू? आ जाना साथ में झोली भरवा लेना, बच्चा आया तू। अच्छा ये चिरकुंडा? ओ इसकी मम्मी है क्या तू? हाँ जी बस तेने ठीक थोड़ा अभी जान लिया मैंने। हाँ जी ठीक करना है मैंने, मैं बस ये। हाँ जी ए बीमार हो गया थी माँ, हूँ फिर एडमिट हो गया थी। हूँ अब ठीक है? हाँ जी। तो बोल सच्चे दरबार की जय। दे भाई महारानी ने लोन का काम, पता नहीं लोन का था क्या क्या काम? ये तो पैसे पैसे अटके हुए तो पैसे दिलवा दिए और ये कढ़ाई लेके आई है और ऐसे ही कढ़ाइया सब पे ले माँ, धूम धड़ाके से घर में अंदन के भंडार भरे। बस सच्चे दरबार की जय। ओके कहाँ से आई बेटा? कुंडरी से आई हूँ। कुंडरी से? हाँ। क्या काम बना बेटा? माता जी मेरे पापा ना यूरोप में है, उन्होंने इधर से डॉक्यूमेंट मंगवाए थे तो हमने डॉक्यूमेंट भेजे ना, तो 1 महीना बीच में ऐसे ही फंसे रहे। ट्रैक भी किए उन्होंने तो उनके पेपर कहीं भी मिले नहीं। तो मेरी बहन इधर अरदास लगा के गई थी तो उसी दिन रात को फोन आ गया भी डॉक्यूमेंट उनको मिल गए। महारानी की शक्ति, जो विश्वास रखता है कार्य उसी के होते हैं। काली मैया की जय। जगदम्बे की जय। ना मेरी महारानी ऐसे ही काम बच्चों के बनाती रहे और डंके बजाती रहे और बोल साचे दरबार की जय। जय माता जी बाबू। कहाँ से आई है?
देहरादून से? हाँ जी। अच्छा क्या काम बना? मैं बड़ा संकट बताया था ना आपको। बड़ा चुप हो जाइए रजे और चिरकुंडो। हाँ तो वो कट गया। बड़ा संकट था? और कितने टाइम पहले कटा बेटा? कितने सालों का संकट था? 4-5 साल हो गए। चार पाँच साल हो गए परेशान। और दरबार से कब जुड़ी थी? कितना टाइम हो गया? पिछले महीने ले भी एक महीने के अंदर महारानी ने इसका 5 साल पुराना संकट काट दिया। बच्ची अपनी खुशी से कढ़ाई लेके आई है। महारानी ऐसे सबके घर में जो संकट खेल हुए हैं सबको दिवाली पे गर्दन पकड़ पकड़ के नचोड़ के घर से बाहर निकाले और दिवाली हैप्पी कर दे। बहुत जमाता दी बाबू। कहाँ से आई बेटा? मैं अलीगढ़ से आई हूँ। अलीगढ़ से क्या काम बना? मम्मी संकट थी वो कटी थी। कितने साल पुराने संकट? 4-5 साल पुराने। 4-5 साल पुराने संकट कटे। अब घर में ठीक है? शांति है। अच्छा कितने टाइम हो गया तुझे दरबार जुड़े? मुझे फरवरी से जुड़ी। फरवरी में यानी 7-8 महीने हो गए भाई। मैं आई थी बीच में कढ़ाई लेके, फिर वो मतलब बैग चला गया मेरा बस में। एक पहले कढ़ाई लेके आ चुकी है तू? क्या चला गया? चला गया बस में, चला गया वो कढ़ाई बस में ले गया ड्राइवर। वाओ बाबू तुझे नहीं लेके गया? उठा के बस में ही उसको बैग को ले गया। पूरे बैग को ले आई थी, सामान सारा लेके तो बैग ले गया वो। नहीं वो तू कैसे उतर गई जब बैग ले गया? अपना बैग छोड़ गया और मेरा ले गया वो। और उस वाले में क्या था बाबू? उसमें कपड़े निकले थे। नए थे क्या? ऐसे निकले थे, एक जैसे बैग थे वो, इसलिए। चलो माँ को बदल गया, मंजूर नहीं था कुछ ना कुछ कारण। तो लगाइए जयकारा कुरुक्षेत्र दरबार। भाई इसका भी 7-8 नहीं 3-4 साल पुराना ही। 3-4 साल पुराना था बेटा। 3-4 साल पुराना संकट कट गया है महारानी। इसको भी शुभ लाभ हो, दिवाली अंधन से भरे और बच्चों के भी जो आए हैं सबके काम बने। बस सच।